हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे बब्बर शेरों, मेरे जिगर के टुकड़ों? मैंने पीछे वीडियो डाली थी, आपने बहुत पसंद करी। अच्छे काफी आपके मैसेज आए, रिप्लाई किया आपने। मैं इसके लिए बहुत वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं यो भी वीडियो बनाता हूँ टेक्निकल बेसिस में, जो आपको आसानी से घर बैठे आप ठीक कर लें, घर बैठे इंजीनियर बन जाएं। जिनको नहीं आता उनके लिए भी मैं पूरी सपोर्ट करूँगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे वैसे आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज मैं लेके आऊँ माइक्रो ओवन रिपेयरिंग, जो आप माइक्रो ओवन कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप कस्टमर के घर में जाते हैं, कस्टमर घर में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर्स का पड़े होते हैं, उनके घर में रहते ही हैं, और हमेशा वो आपसे हमेशा कंफर्म करते हैं, पूछते हैं कि आपको एसी की बजाय कुछ और आता है नहीं आता। वो अगर वॉशिंग मशीन करते हैं वो पूछते हैं, तो आपको माइक्रोवेव, आपको एसी आता है नहीं आता। तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ आएगी तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हर चीज़ के आप कारीगर परफेक्ट बन जाएंगे। कस्टमर किसी के पास जाएगा नहीं, क्योंकि अदर इंजीनियर आता है वो अलग दिमाग से लेकर चला जाता है, तो जिससे आपके कस्टमर काफ़ी टूट जाते होंगे, और इंजीनियर कस्टमर भी काफ़ी प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि आप उनके बड़े पुराने पुराने कस्टमर होते हैं, कस्टमर हैं आपके। क्योंकि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपके हमेशा वो फेवर में रहेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। आपको परमानेंट टेक्नीशियन है, क्योंकि यहाँ घर में भी आपकी चीज़ें आएगी, यहाँ घर पे भी आराम से कर सकते हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी होगी, माइक्रोवेवन है, गीजर है, हीटर है, आपको सब चीज़ करनी आनी चाहिए, क्योंकि घर में आपके मम्मी पापा वो होंगे, वो भी आपको काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि मेरा बेटा सब कुछ कर लेगा। अगर आपकी बीवी है तो बीवी भी खुश होगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड को सब कुछ खाता है, कि वो तो माहिर हैं, वो तो सर 10 बंदों से बातें बात करेंगी और आपके तो पब्लिसिटी करेंगी। क्योंकि आज मैं बेसिक चीज़ लेके आऊँ माइक्रोवेवन की, बेसिक चीज़ें जी, क्या क्या फॉल्ट आते हैं, आप कैसे इसे रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई वीडियो में कोई चीज़ छूट जाती है आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ मेरे को वीडियो में आपको गलत लगती है तो आप मेरे तब भी मेरे को सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानता। काफ़ी मेरे पर उल्टे सीधे मैसेज भी आते हैं, उनका मैं रिप्लाई नहीं करता, मगर आप मेरे को अगर कुछ अच्छे कस्ट बंदे भी हैं जो मेरे सपोर्ट में रहते हैं, वो अच्छे अच्छे रिप्लाई करते हैं, उनको मैं हमेशा रिपीट कमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ। उसके लिए सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज वीडियो लेके आऊँ, वो आपके लिए फायदेमंद है। आप देख के रिप्लाई करें, और जो भी अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ के आप पूछ सकते हैं, और मैं उसके क्वेश्चन का जवाब पूरा दूंगा। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी अगली चीज़ें, बेसिक चीज़ें होंगी, जितने बातें होंगी वो टेक्निकल रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट में, जो भी बेसिक चीज़ें हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, और आपको ठीक करने के लिए पूरी चीज़ हेल्प करूंगा। तो चलते हैं माइक्रोवेव के बेसिक के पास, तो आपको बताता हूँ माइक्रोवेव से ठीक करते हैं। हाँ जी, अब आगे मैं माइक्रोवेव के बाद आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ये मैनुअल्स की। मैनुअल्स में क्या प्रॉब्लम रहती है, ये बहुत कॉमन चीज है, बटन नहीं दब रहा, कोई ये प्रेसेस नहीं होते, क्योंकि ये एकदम फ्लैट होते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसका जो मदरबोर्ड पत्ता होता है, ये कोई कोई चिप शॉर्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मेन प्रॉब्लम आती है। ये अलग पार्ट बना होता है ये पीसीबी, ये खुल के रिपेयर हो जाती है, अगर चाहते हैं तो ये नया ऊपर का कार्ड मिल जाता है। इसको मैं खोल के भी बताऊंगा आपको कैसे खोलना है और कैसे रिपेयर करना है। मैं फिर इसको खोलता हूँ, इसको ठीक करने से पहले सबसे पहले इसका प्लेट निकाल लें, पेट निकाल लिए, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि कॉकरोच पड़े रहते हैं इसका। इसको थोड़ा सा पीछे करके, पीछे कर, ये आपका माइक्रोवेव खुल गया है।
कुछ साइड रख लेते हैं। ये मैग्नेटोन होता है जो हीटिंग प्रोसेस होता है, ये बता दो एक काम करता है, ये जो इसके अंदर का टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, ठंडा करता है इसकी। ये फैन बना रखा है, फैन इसके बांटता है, सप्लाई फेंकता है। एक कैपेसिटर है, एक ट्रांसफार्मर है और ये पीसीबी है। इसमें मैंने सबसे पहले बताई थी मैनुअल प्रॉब्लम की। मैनुअल प्रॉब्लम के लिए ये बस आप इसको निकाल सकते हैं। ये टेम्परेरी फिक्स होता है, ये इसमें दो पेज लगे होते हैं, ये पेज बता रहता हूँ, ये लगे दो पेज। हर मॉडल के अलग अलग होते हैं, एक किसी के यहाँ पेज लगा होगा, किसी के यहाँ पर लगा होगा, नीचे लगा होगा, किसी के साइड में लगा होता है। ये क्लिप सिस्टम होता है, ये आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। ये लॉक सिस्टम होता है, जैक सिस्टम होता है, हल्का सा ऊपर करके ये खुल जाएगा। जिसके आप इसकी आप सारे देख लें, ये पावर पीसीबी लगी हुई है, जो मदरबोर्ड होता है, जो कीपैड लगा होता है, ये देखो ये लगी हुई है, इसको आप ठीक करा सकते हैं। ये पूरे मदरबोर्ड को खोल के ले जाए, ये क्ले सिस्टम लगा रखा है, ये सिस्टम लगा है, ये सिस्टम है। अगर आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, वॉश पानी से नहीं, पेट्रोल से या थिनर से, तो इसके कभी कभी स्केलिंग लगी होती है, वो खड़ जाती है। ये मेन होता है इसका पीसीबी, ज़्यादातर ये इसके बटन काम नहीं करते, ये आप इसको ठीक करा सकते हैं। मेन ज़्यादा प्रॉब्लम है हीटिंग की। ये मैग्नेटोन है, मैग्नेटोन हीटिंग प्रोसेस, इसको आप खोल सकते हैं। इसको खोलना मैं बताता हूँ आपको कैसे खोलना है। इसके ये बल्ब है, बल्ब यूज होता है, बल्ब आराम से निकाल सकते हैं इसलिए सिस्टम में। ये निकाला, ये बल्ब निकल गया। ये बल्ब दूसरे डीसी करंट का होना होता है, ये आप चेंज कर सकते हैं। चूड़ी वाले बल्ब होते हैं ये आराम से, फ्रिज वाले बल्ब नहीं होते, फ्रिज वाले बल्ब होते हैं, ये आराम से लग जाएंगे इस पर। ये मैंने वापस लगा दिया, तो हीटिंग के लिए आपको बताता हूँ। ये पेज लगा होगा, सबसे पहले इसका पॉइंट खोल लें और ये देख लो कि सबसे पहले पावर पीसीबी कहते हैं ना, मेन सप्लाई इसकी ऑन नहीं होनी चाहिए। इसकी तारे हटा के मैंने प्लग उतारा हुआ है, तभी इससे पंगे लें, नहीं तो ऐसे पंगे ना मत लें, क्योंकि डीसी करंट है, एक बार पकड़ लिया ना छोड़ेगा नहीं। इसका तो एक पेज ही है, इसको खोल के बताता हूँ। हीटिंग में जहाँ तक यही खराब होता है, आपको पता लग जाएगा जब आप इसके अंदर बल्ब कदर पानी का वो रखेंगे, तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि पानी गर्म कर नहीं रहा। मेन छोटे छोटे ही होते हैं, ये खुल गया है। मैग्नेटोन में आप ध्यान रख लें, ये मैग्नेटोन में खराबी क्या होती है, आप इसको कॉन्टीन्यूटी से चेक कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी लगा के देख ले, अगर ये कॉन्टीन्यूटी बोलती है ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूटी नहीं बोलती तो ख़राब है। तो देखो इसमें मैग्नेट लगे होते हैं, ये ज़रा हीटिंग के कारण कभी और मैग्नेट क्रैक हो जाता है। मैग्नेट क्रैक हो तब भी हीटिंग क्योंकि वेव्स बना नहीं पाता, ये पॉइंट इसके आगे लगता है। ये मेन ये है, ये ध्यान रखें, ये पॉइंट आगे लगेगा,
जो इसको मैं दोबारा लगाया था दिक्कत ना हो जाए, भूल गया मैं, वैसे ही लगेगा। जो अब स्क्रू लगाता है इसका स्क्रू दोबारा लगा दें। ये जब भी मैग्नेट चेंज करें तो इसका डायोड जरूर चेंज करें। डायोड मेन है, डायोड मेन इसलिए होता है क्योंकि ये बॉडी के साथ अटैच होता है, अर्थिंग जरूरी चाहिए होती है, क्योंकि डीसी करंट से जो चलता है अर्थिंग के बेस में इसके कैपेसिटर से जरूर सप्लाई आती है, तभी ये सप्लाई ऑन होती है। तो कभी कभी मेन चेक करने से पहले आप डायोड देख लें, डायोड दिखाता हूँ कैसा होता है। डायोड भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, जिसके कारण मैग्नेटोन को सप्लाई नहीं जाती है। तो डायोड भी एक पहले चेक करें, डायोड दिखाता हूँ कैसा होता है। डायोड ये लगा होता है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर के साथ सप्लाई जा रही है और ये बॉडी से अटैच है। ये डायोड भी जल जाता है, ये डायोड जल जाता है, इसके साथ मैग्नेटोन को सप्लाई नहीं जाती है। डायोड भी चेक कर लें, ये कैपेसिटर है हमारा। कैपेसिटर को ये आपने देखा होगा, हमारे जो एसी के कैपेसिटर होते हैं कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है तो इस कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। तो आप कैपेसिटर चेंज जरूर करें, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी कभी बोलनी नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी तब बोलती है जब ये इसका जो कैपेसिटर शॉर्ट होता है। ये दूसरी तरह का कैपेसिटर होता है, डीसी करंट बनाता है, तो इसके ये दूसरे पावर सप्लाई होती है इसमें। तो ये ध्यान रखें, अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो ये कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। ये आराम से चेक कर सकते हैं, ये पेज खोलेंगे कैपेसिटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये फैन बहुत कम चांसेस से ख़राब होते हैं, क्योंकि इसमें ना पानी जाता ना कुछ जाता है। अगर कोई दिक्कत होती है कोई पंखा, बस इसका कभी कभी पंखा टूट जाता है, पंखा आराम से आप इधर खींचेंगे पंखा बाहर आ जाता है। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे ये ट्रांसफार्मर है, देखो ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, हाई वोल्टेज का स्टेप है, देख लो, बस ध्यान दें ये ऑन सप्लाई में कभी चालू मत करें। ये हीटिंग में ये चेंज करना है आपने मैग्नेटोन, और उसके बिहाफ में ये डायोड, ये दो चीज़ें आपने जब भी चेंज करनी है चेंज करनी है। हीटिंग में सबसे पहला ये है, आप लगाएंगे 30 सेकंड का जो पानी गर्म होगा, नहीं कर रहा तो देखिए वह आवाज़ भी चेंज हो जाती है मैग्नेटोन की, गों करके करता है तो है। ट्रांसफार्मर बहुत कम चांसेस है, टेम्परेचर जो ख़राब होगा ट्रांसफार्मर तो आपको पता बहुत साउंड करेगा माइक्रोवेवन, जैसे पता नहीं बर्तन बज रहे हैं, तो जो पावर सप्लाई पूरी देता नहीं मैग्नेट को, मैग्नेट जितनी सप्लाई देता वो दे नहीं पाता, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, वाइंडिंग इसकी शॉर्ट हो जाती है अंदर से। ये फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज भी चेक कर सकते हैं, फ्यूज तो ख़राब नहीं होता है कभी भी। क्योंकि तो चालू ठीक है, चालू कंडीशन में, इसलिए मैं वैसे ही खोल के देखता हूँ। तो मैं इसको चालू है जहाँ जैसे तारे निकाली थी वैसे लगा देता हूँ। ये लगा दिए, ये आपको खोल लेना, इसको खो के आप रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले बताता हूँ, बहुत किसी को नहीं पता लगता, आप कभी कभार प्रॉब्लम आती है कि माइक्रोवेव ऑन करते हैं लाइट नहीं चलती, ऑन करते हैं लाइट चलने लग जाती है, कि पंखा घूमने लग जाता है, ये चांस बहुत डेंजरस वो होकर कभी कभार होते हैं। इसमें आपने कभी हाथ नहीं डालना, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि देखो कि अपने फैन घूमने लग कहता है ऑन, जैसे आपने बंद करा लाइट ऑफ, जैसे इसको ऑन करा
लाइट ओपन, और उसमें जो अंदर की प्लेट लगी होती है लाइट जल जाती है और प्लेट घूमने से स्टार्ट हो जाती है। उसमें एक कारण है कि इसमें ये डॉर स्विच लगा हुआ है, ये डॉर स्विच है, ये डोर स्विच है, ये डोर स्विच की अंदर की जो पुश बटन होते हैं वो खराब हो गए हैं। ये आप आराम से चेंज कर सकते हैं इसको। ये तारे निकालेंगे, ये डोर स्विच आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं। ये डोर स्विच है, ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट कभी कभार ये जैसे आवाज कर रहे हैं ये ठीक है, ये शॉर्ट हो जाते हैं, एक ही प्रेस करेंगे आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसके कारण जो सप्लाई है ये कट ऑफ नहीं करता। जैसे बंद होता है तो बंद होना चाहिए ना, वो नहीं करता। इसको प्लग को आप चेंज, इसको ठीक करके दोबारा नया मिल रहा है, मिल जाता है। इसको मैं वहीं पर लगाया था जहाँ से निकालता रहा था। इसका काम ये होता है, आप देखिए ये हो गया ना, देखा वो, देखे जो उसका काम क्या होता है। ये तो सप्लाई बंद कर दी, ऑन कर दी, ये डोर स्विच खराब हो जाता है, इसको आप चेंज करें। इसके एकदम नीचे पेच लगा होगा, इस पेच को आप खोलें, मोटर चेंज करने के कारण ये बहुत कम चांसेस होते हैं। पेज खोलेंगे, ये लॉक सिस्टम है, ये मोटर बाहर आ जाएगी, ये मोटर आप चेंज कर सकते हैं, मोटर चेंज कर सकते हैं। ये आराम से इसको ये पेज खोल के ये लॉक सिस्टम के नीचे ऐसे करेंगे, नीचे ऐसे करेंगे तो मोटर नीचे आ जाएगी, ये आप चेंज कर सकते हैं। अब चालू कर दिया इसको, हाँ जी मैंने आपको दिखा दिया कि आपको कैसे ठीक करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सर्किट की प्रॉब्लम आती है आगे, तो उसके लिए आप कहते हैं उसको निकाल के मदरबोर्ड को आप अच्छी तरह से, रिमूवर है, नेल स्क्रीनर के जो रिमूवर होते हैं, थिनर्स हो गया, पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई बार मॉइस्चर आ जाता है वो पीसी भी काम नहीं करती। नहीं तो आप निकाल के अगर जैक सिस्टम होता है वो आप रिपेयर कर सकते हैं। वाइप आपको मैंने मैग्नेटॉन बता दिए हैं, मैग्नेटॉन है जो हमारे जो 440 वाट करंट की सप्लाई में वेव छोड़ता है, जो हीटिंग पूरा प्रोसेस होता है मैग्नेटॉन के थ्रू होता है, उसको आपने कैसे आपने चेक करना है और क्या क्या चीज़ के फॉल्ट होते हैं। मैग्नेट क्रैक हो जाता है तो कई बार इसके अंदर सर्किट शॉर्ट हो जाता है, जिसके आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो वो मैग्नेटॉन में प्रॉब्लम है। तो मैंने इसका कैपेसिटर के लिए बता दिया, कैपेसिटर जो होता है वो कंटिन्यूटी नहीं शो करता है, सही पहले बता दूँ, अगर कंटिन्यूटी शॉर्ट का शो कर रहा है तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। तो उसकी फैन मोटर है, मैंने फैन मोटर भी दिखाई है, मैं मोटर में ज़्यादा कोई बेसिक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो इतनी ख़राब नहीं होती। अगर पंखा टूट जाता है, पंखा प्लास्टिक का आराम से निकल आता है, आराम से लगा लेंगे। मेन फ्यूज है, फ्यूज कभी नहीं टूट फूकता, फूकता तभी है जब उसके जो मैं जो ट्रांसफार्मर में कोई सर्किट हो जाता है शॉर्ट हो जाता है, वो तब होता है, वो बहुत कम चांसेस है, वो आप तो भूल जाएं, वो तो अलग चीज़ ही है। वो अगर प्रॉब्लम में आएगा वो इतनी आवाज़ें करने से छेने बजने लग जाएंगे, ऐसे कि माइक्रोवेव में कोई मशीन इंजेक्शन मोल्टन की मशीन चल रही है। और मेन जो दिक्कत आपको चेक करनी है तो मैंने वो आपको मोटर जो घूमती है उस जिस बेसिस में उसका जो ऊपर ग्लास घूमता है वो भी दिखा दिया। आप मोटर कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, इसके डोर स्विच भी दिखाए हैं, वो डोर स्विच में क्या प्रॉब्लम आती हैं तो वो आपको भी दिखा दिया। अदरवाइज कोई चीज की आपको कोई समझ नहीं आई है आप मुझसे पता पूछ के आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सहजा रहता हूँ, बिना मैं ऑनलाइन रहता हूँ, आपके कमेंट का जवाब देता हूँ। तो आप मेरे को हमेशा कमेंट के थ्रू आप मैच
अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप कुछ की चीज नहीं आती है आप मुझसे पूछे, मैं वीडियो का पूरा शूट करूंगा, अगर मेरे पास जाएगी मैं कस्टमर घर में जाऊंगा और उससे थोड़ी लाइव मैं बताता हूँ, लाइव शूट करता हूँ, क्योंकि कस्टमर से थोड़ा सा परमिशन लेके कस्टमर मुझसे डिस्काउंट भी मांगते हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियो उनके घर में शूट करता हूँ वो मुझसे काफ़ी डिस्काउंट भी मांगते हैं, तो मुझे डिस्काउंट भी देना पड़ता है आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब करेंगे मैं आगे वीडियो भी आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा और आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं, तो आपको मैं नंबर दे देता हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप फ़ोन करके डिटेल में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं अजयपाल सिंह, तो उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे पहले नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।